हेलो एंड वेलकम माय डियर किड्स ऑफ विजय सर क्लासेस। सारे विजय सर क्लासेस के स्टूडेंट्स को, विजय सर क्लासेस के इस चैनल को वॉच करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं गुरजीत कौर एक बार फिर से वेलकम कर रही हूँ मेरे मैथ्स के क्लास में। जैसा कि आज आप लोग बच्चों देख ही पा रहे हो व्हाइट बोर्ड में, मैं आज आपको कौन सा टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच इज़ अबाउट द ट्राइंगल्स। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। तो बच्चों ये चैप्टर 6 से ही हम इतना तो समझ ही चुके हैं ट्राइंगल्स के ऊपर है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसे मेरे पर्सनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने ऑब्जर्व करके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए निकाला है ताकि आप लोग का रिविजन बहुत अच्छे से हो जाए। रिविजन के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6, विच इज इन द गिवन फिगर। एक फिगर हमें गिवन है, ऑब्वियसली ट्राइंगल ही होगा बिकॉज वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ ट्राइंगल राइट नाउ। एम एन इज पैरेलल टू पी आर मीन्स द लाइन एम एन इज पैरेलल टू लाइन पी आर। इफ क्यू एम इज इक्वल्स टू मीन्स हमें वैल्यू दिया गया है किसका, क्यू एम का, कितना है 4x-3, क्यू एन इज 8x-7 एंड पी एम इज 3x-1, सिमिलरली आर एन इज 5x-3। तो ये चार वैल्यूज हमें पता है, फाइंड करना है हमें x का वैल्यू। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसे हम लिखने की कोशिश करते हैं डायग्राम में, जिससे हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। क्यू एम 4x-3, 4x-3 मीन्स जो ये क्यू एम है इसका पार्ट है, कितनी मेजरमेंट है इसकी, क्यू एम माइनस थ्री। क्यू एन मीन्स दिस वन 8x-7, 8x-7। पी एम 3x-1, पी एम इज 3x-1 एंड आर एन इज 5x-3 यूनिट्स। अब मुझे ये जो ट्राइंगल है इसके इन दोनों साइड्स की, साइड पी क्यू और साइड क्यू आर, इन दोनों की दो दो पार्ट में वैल्यू मेजरमेंट दी गई है, हमें सिर्फ x फाइंड आउट करना है। तो बच्चों चैप्टर 6 में हमें कौन सा थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे ज़्यादा बार जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ बीपीटी, या फिर जिसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स। थेल्स सर ने हमें ये आइडिया दिया था, कौन सा थ्योरम दिया था, कि अगर कोई एक ट्राइंगल है उसमें किसी भी एक साइड के साथ अगर हम सामने वाले मीन्स बाकी दोनों बचे हुए साइड्स पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, मीन्स अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल हो जाए अकॉर्डिंग टू बीपीटी, तो फिर इन दोनों मेजरमेंट का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों गिवन। गिवन में हम क्या लिखते हैं, गिवन वैल्यूज देखते जाएंगे, क्वेश्चन से लिखते जाएंगे। क्यू एम इज इक्वल्स टू 4x-3, क्यू एन इज इक्वल्स टू 8x-7, पी एम इज इक्वल्स टू 3x-1 एंड आर एन इज इक्वल्स टू 5x-3। और अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बीपीटी, या फिर लिख सकते हैं उसके पहले टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स हमें क्या करना है बच्चों, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, जब हमने ये लिख लिया है तो अब हम चलते हैं प्रोसेसिंग के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रोसेसिंग हमें क्या करना है, बीपीटी को मीन्स सेल्स थ्योरम को हमें किस तरह से यूज़ करना है कि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। फ्रॉम थेल्स थ्योरम, ये हम लिखेंगे, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम बीपीटी या फिर फ्रॉम थेल्स थ्योरम। क्या लिखेंगे हम,
QM by PM. QM by PM is equals to QN divided by RN. और हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हमें इसके सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है सिंपल एल्जेब्रा के रूल्स को यूज़ करके. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुटिंग द वैल्यूज़. क्यू एम इज़ 4x माइनस 3. पी एम इज़ 3x माइनस 1. क्यू एन इज़ 8x माइनस 7. आर एन इज 5x माइनस 3. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द वैल्यूज. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इम्प्लाइज का सिंबल यहाँ पे लग चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. थोड़ा सा मैं डिटेल करूँगी, जो बच्चे जिन्हें डिटेल की ज़रूरत नहीं है वो इस लाइन को इग्नोर कर देंगे, बट मुझे आप सबको देखते हुए चलना है. कुछ बच्चों ने मुझे डिटेल के लिए रिक्वेस्ट किया है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो चलो 4x के साथ 5x, 4x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5x माइनस 3 ये मैंने लिख दिया. उसके बाद rx माइनस 7 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा. मींस जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये है क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मतलब डिनोमिनेटर के साथ अपोजिट साइड के न्यूमरेटर का, सिमिलरली डिनोमिनेटर के साथ अपोजिट साइड के न्यूमरेटर का. चलो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से. 3x माइनस 1. अब हमें इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है. कैसे करते हैं, 4x के साथ एक बार 5x का मल्टीप्लाई, 4x के साथ एक बार माइनस 3 का मल्टीप्लाई. 4 5 ज 20x स्क्वायर माइनस 3 और 4 12x. सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा. 3 5 ज 15x प्लस 3 3 9. प्लस क्यों हुआ बच्चों, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस. बिल्कुल ऐसे ही हम इधर भी करेंगे. 8x एंड 3x, 3 8 ज़ 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 8x. 7 3 ज़ 21x प्लस 7. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कलेक्ट द वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली. वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर वाले जो वेरिएबल्स हैं इन्हें हम पहले एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं. 20x स्क्वायर RHS से 24x स्क्वायर जब साइड चेंज हो गया इधर आया तो उसका हो जाता है बच्चों साइन चेंज. वी हैव टू माइंड दिस थिंग. साइड चेंज मीन्स साइन चेंज. आफ्टर दैट माइनस 12x और माइनस 15x हो जाएगा माइनस 27x. यहाँ पे 28 और 21 ये दोनों मिला के 29, माइनस 29. माइनस 29 जब साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस 29x. नाउ 9 को हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 एंड प्लस 7. अब हम इन सबको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं. 20 और 24 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस 27 माइनस है 29. ग्रेटर नंबर इज इन पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट प्लस 2x. 29x में से 27x को माइनस करेंगे, ये देखो तो आया 2x, वो भी पॉजिटिव. और इक्वल टू के बाद हमारे पास है माइनस 2 बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 7. अब इसे देखो, तीनों नंबर्स बहुत अच्छे हैं. 2 के मल्टीपल्स है सारे. 2 कॉमन टेक आउट करेंगे हम इसमें से, जिसके लिए मुझे इधर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा. रब करती हूँ मैं, तब तक आप लोग इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो. लेट्स स्टार्ट अगेन. माइनस 2 अगर मैं कॉमन टेक आउट करूँ, बिकॉज वी आर हैविंग माइनस 2 इन RHS, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आउट माइनस 2. यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस x. 2 कॉमन आ गया और इस प्लस में से माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस साइन बचा. इज इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1. वी कैन राइट 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. माइनस 2 कैंसिल. नाउ व्हाट वी आर हैविंग, 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 1. सिर्फ 1 हम लिख सकते हैं. नाउ माई डियर किड्स, आई एम गोइंग टू यूज स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड to find out the value of x from the given quadratic equation. ये अब हमें कैसे मिल गया बच्चा, एक quadratic equation के form में मिल गया है. अब इस form को
हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे x. x क्या है? सिंगल x एंड माइनस ऑल्सो. तो अगर हम 2x प्लस x करें, माइनस 2x प्लस x, तो ये दोनों हमें रिजल्ट क्या देंगे? माइनस x. माइनस इसलिए कि 2 का सिंबल बड़ा है, 2 इज अ ग्रेटर नंबर, और x बचेगा 2 में से 1 माइनस होने के बाद. तो यहाँ ये वाला माइनस 1, यहाँ ये वाला 2x स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2x, यहाँ बचा x माइनस 1, फिर प्लस 1, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? x माइनस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब जब दो फैक्टर्स मिल गए तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है? Either x minus 1 is equals to 0 means x is equals to 1. This is the first value what we have calculated, and the next value is, or 2x minus 1 is equals to 0, 2x equals to 1, x is equals to minus 1 by 2. This is the second value of x. अब जो दोनों वैल्यू आए हैं बच्चों x के, उनको अगर आप केयरफुली वॉच करो, व्हाट यू विल फाइंड कि हमें ट्रायंगल के साइड का एक यूनिट था मेजर करने का x, जिसे फाइंड आउट करना था. वो नेगेटिव नंबर कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रायंगल का जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है. सो आर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1. ट्राइंगल का साइड कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर से हम उसको डिनोट नहीं करते. दैट्स वाई आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1. पूरा आप इसको करोगे, बट लिखने के टाइम पे क्या लिखोगे? x इज इक्वल्स टू 1. तो ये एक ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया अभी, जो कि इसका पैटर्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट था फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए. अब इसी पैटर्न में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? हो सकता है 4x माइनस 3 के बदले में ये जो गिवन वैल्यू है ये चेंज हो जाए, या QM के बदले ट्राइंगल जो PQR लिया गया था उसके बदले ट्राइंगल ABC ले लिया जाए. बट ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस पैटर्न को आपको सॉल्व करना आना है. कैसे करेंगे? आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए तो आप बहुत ही ईजिली डील कर पाएंगे ये पूरे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपके लिए ला रही हूँ, तब तक आप लोग इसको एंजॉय करो. लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली. मीन्स ये एक गिवन ट्राइंगल है बच्चों, हमें ट्राइंगल ए बी सी डी और ई जो है वो रेस्पेक्टिवली ए बी और ए सी में पॉइंट्स हैं. शो दैट डी ई पैरेलल बी सी, मीन्स हमें ये शो करना है ये जो डी ई है दिस इज पैरेलल विद द साइड बी सी. गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास? ए बी इज 5.6, मीन्स ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये कितना है बच्चों? 5.6 सेंटीमीटर. सिमिलरली ए डी 1.4 सेंटीमीटर, ए सी इज 7.2 सेंटीमीटर एंड ए ई इज 1.8 सेंटीमीटर. तो ये कुछ गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास, जिन्हें यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? हम ये पता करेंगे कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के साथ. तो ये चैप्टर है बच्चों ट्राइंगल्स का. ट्राइंगल्स के चैप्टर में हमें क्या यूज़ करना है? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया, वी हैव टू यूज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों. तो व्हाट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन ए डी एंड डी बी, ए ई एंड ई सी. This will be equal, the ratio of AD divided by BD, AE divided by EC is always equal. This is known as basic proportionality theorem or Hale's theorem. तो इसको हम start करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे हम हमेशा हर question को start करते हैं. कैसे करेंगे? Given से. Given. What is given to us? Given is values of AB is equals to 5.6 centimeter, AD is equals to 1.4 centimeter. If we try to find BD, what we will do? BD हम कैसे निकालेंगे? AB minus AD, which is equals to 5.6 minus 1.4. Calculate करो, तब तक मैं next part लिखती हूँ. AC is equals to 7.2 centimeter. सेंटीमीटर एंड
AE, which is equals to 1.8 centimeter. Now we are required to calculate the value of CE, which is 7.2 minus 1.8 centimeter. अब बच्चों स्टार्ट करते हैं. 5.6 माइनस 1.4. व्हाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज इसके साथ कुछ बच्चों का डेसिमल के सब्ट्रैक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे. कुछ बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं. 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 1 इज 4. डेसिमल मीन्स दिस इज 4.2 सेंटीमीटर. सिमिलरली 12 माइनस 8 इज 4, 6 माइनस 1 इज 5.4 सेंटीमीटर. तो हमें बच्चों वैल्यूज पता चल गए बीडी के और ईसी के. अब हम ट्राई करते हैं कि क्या ये टेलर्स थ्योरम को फॉलो करेंगे. करेंगे तो डीई और बीसी पैरेलल होंगे, नहीं करेंगे तो पैरेलल नहीं होंगे. चलो ट्राई करते हैं. तो उसके लिए हम इसको रब करते हैं, तब तक आप इनको नोट डाउन कर लो. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पहले लिखेंगे नहीं फ्रॉम बीपीटी और फ्रॉम थेल्स थ्योरम. व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द रेशियोज. व्हाट वी विल राइट नाउ, नाउ एडी बाई बीडी इज इक्वल्स टू एडी 1.4, बीडी 4.2, 14 3s are 42, 1 by 3. कैसे हुआ? 14 multiplied by 10, 42 multiplied by 10. 1.4 में से ये decimal हटाने के लिए हमें नीचे 10 से multiply करना पड़ा. 4.2 का ये जो decimal था इसको हटाने के लिए हमें ऊपर 10 से multiply करना पड़ा. ये दोनों 10 ने एक दूसरे को आपस में cancel कर दिया. 14 का table जब हमने पढ़ा, 14 1s are 14 3s are 1 and 3. This is the ratio. Again, इस साइड का, AB के साइड का तो हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट AC. AC का हम रेशियो निकालते हैं. हमने पहले AD लिखा था, तो मीन्स यहाँ हम पहले लिखेंगे AE. BD के इक्वल में CE. द वैल्यू ऑफ AE इज 1.8, CE इज 5.2. 18 3s बिल्कुल ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, 1/3. क्या आपको दिख रहा है ये दोनों रेशियो सेम है? वी कैन से दैट कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों ये. आप लोग देखो, बिल्कुल भी टेंशन वाला इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है. और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके फाइनल एग्जाम में आए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इन क्वेश्चंस का, आपको फुल मार्क्स लाना है. चलो स्टार्ट करते हैं फिर से. वी कैन से दैट AD by BD इज इक्वल्स टू AE by CE. ये हमने प्रूव कर दिया इन दोनों से. और अच्छा हो अगर आप यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जिससे कि आप यहाँ रेफर कर सको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. दिस इज इम्प्रेसिव फॉर योर टीचर्स. जो भी टीचर बच्चों कॉपी चेक करेगा उसके लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है उसको इम्प्रेस करने का, अगर आप इक्वेशन वाइज इसको मेंशन कर दो. अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम BPT वी कैन कंक्लूड. व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट इन ट्राइंगल ABC, इन दिस ट्राइंगल ABC, DE इज पैरेलल टू BC. दिस इज द आंसर. वी हैव टू राइट प्रूव्ड, बिकॉज हमें बोला गया था प्रूव करने के लिए, हमने कर दिया प्रूव. D इज पैरेलल टू BC. कितना इजी वे में, कितने शॉर्ट में और कितने कम टाइम में हमने इसे प्रूव किया. अब बच्चों आपको क्या करना है, आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे. विद इन 2 मिनट्स ही आपका सॉल्व होना चाहिए, बिकॉज ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद हम चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज फॉर द गिवन ट्राइंगल DE इज पैरेलल टू BC. दिस इज गिवन टू अस, ये हमें दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है ऑलरेडी इन द गिवन ट्राइंगल ABC. फाइंड EC. हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस EC को फाइंड आउट करना है. मीन्स
ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका डायग्राम हमें यहाँ बना के बता दिया गया है। AD की वैल्यू 1.5, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर एंड CE की वैल्यू बच्चों हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जैसा हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, गिवन। सबसे पहले हम गिवन का लिस्ट बनाएंगे, AD, BD, AE। टू फाइंड EC हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, AD इज 1.5 सेंटीमीटर, BD इज 3 सेंटीमीटर, AE इज 1 सेंटीमीटर। तो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को समझने के बाद आई होप अब बच्चों आप लोग इसको ओरली बता दोगे इसका आंसर क्या होने वाला है। 2 सेंटीमीटर बिकॉज क्वेश्चन हमको PPT का दिया हुआ है, मीन्स ये जो लाइन्स है ये अगर दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है तो प्रोपोर्शनैलिटी भी सेम होगी। दैट्स वाई प्रोपोर्शनैलिटी सेम होने की वजह से 1.5 और 3 का जो रेशियो है वही रेशियो 1 के साथ EC का होगा। तो इन दोनों का रेशियो 1.5 का डबल होता है 3 सेंटीमीटर, दैट्स वाई 1 का डबल क्या होगा 2 सेंटीमीटर, वो हमें यहाँ लिखना है। तो ये इतना डिटेल मैं आप लोग को इसलिए समझा रही हूँ बच्चों कि अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको इसको सॉल्व करके अपना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, अब डायरेक्ट इसको ओरली सॉल्व कर दो। जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं BC इज पैरेलल टू DE, गिवन है। सो फ्रॉम BPT और वी कैन राइट फ्रॉम द एल सी ओर एम, AD डिवाइडेड बाई BC का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल विथ AE बाई CE। AD का वैल्यू 1.5, BD का वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AE के वैल्यू के साथ CE को हम CE ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें CE फाइंड आउट करना है, CE तो हमें पता ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 1.5 मल्टीप्लाइड बाई CE, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई CE मीन्स मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी बताया कि इक्वल टू के अदर साइड में जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के साथ अगर ये 1, 2 है, सॉरी 1, 1, 2, 2, N1 के साथ D2 का मल्टीप्लाई होता है, N2 के साथ D1 का मल्टीप्लाई, यही तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से। तो इस मेथड को अप्लाई करने के बाद CE यही रहेगा, 1.5 को हम शिफ्ट कर देते हैं 3 के नीचे। अब 1.5 का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 बचेगा हमारे पास, 5 से हम इसको रिड्यूस करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अगेन ये 3 और ये 3 जब कैंसिल आउट हो जाएगा CE का वैल्यू हमें मिलेगा 2, विच इज़ 2 सेंटीमीटर। तो जैसा हमने इसको सिर्फ देख के प्रेडिक्ट किया था बच्चों, उस टाइप का ही बिल्कुल वही आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। और ये चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन मैंने आज आप लोग को सॉल्व करके बताया, जो कि थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बच्चों चैप्टर 6 का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए लाऊंगी। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को, इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे बहुत अच्छे से और बहुत स्पीडली डील कर सको, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल का बच्चों स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी स्पीड को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप डाउट में हो, आप कंफ्यूज हो, तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा आपका स्पीड कम हो जाता है। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज ला रही हूँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ बच्चों, फटाफट इनको प्रैक्टिस करते जाओ, इनको बाय हार्ट करते जाओ, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को भी बिल्कुल मत भूलना। और कौन सा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए बच्चों, उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।